वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा सिंपल सा आलू मटर पुलाव बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पर रखते हैं और इसमें डालते हैं तेल। आलू पुलाव में वैसे तो कुछ खास पड़ता नहीं है, झटपट बेचारा बन जाता है, थोड़ा कुछ डाला नहीं डाला बेचारा मज़े का बनेगा, लेकिन एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वरना बड़ा ख़राब बनेगा, तेल। उसमें जब तक मॉइस्चर नहीं होगा ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ड्राई ड्राई बड़ा बुरा लगेगा। तेल आपकी मर्ज़ी है कितना डालना है, मैं डालूँगी तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और यहाँ हमारे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, ये डालेंगे जैसे छोटी बड़ी मिला के 3 बेलीव्स तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंगे और 8-10 काले मिर्चें। बस 30 सेकंड हम इसका सिज़ल होने का वेट करते हैं ताकि तेल में सारी खुशबुएं रच बस जाए। और अब देखें हमारे पास यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको मैंने दरमियाने पीसेस में काट दिए, तो इसको डाल देते हैं। चलें डांसिंग शो को थोड़ा सा शांत करने के लिए कवर कर देते हैं फॉर 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड हो गए, अब हम बंद कवर करते हैं, इसको फ्राई करते हैं। आलू को इतना फ्राई करेंगे कि वो 25-30% गल जाए और इसको लगेंगे तकरीबन 2-3 मिनट ही। अब वजह ये है कि हम इसको दही से भूनेंगे और दही जब आता है ना किसी भी चीज़ में तो कुकिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, स्पेशली आलू को, तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, कुकिंग टाइम इसका डन कर देंगे थोड़ा। आम हालात में जब कुछ ग्रोसरी नहीं होती है या थकावट होती है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता है, तब मैं आलू पुलाव बना लेती हूँ, आलू मटर पुलाव बना लेती हूँ। हमारे घर में सबको बड़ा मज़ा आता है, वो रायता किसी भी किस्म का हो, अचार हो, इतने शौक से बड़े पेट भर के खा लेते हैं सबके सब, सभी को पसंद है। अच्छा जब आलू पुलाव बनाए ना तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ है कि कभी भी बर्तन को छोटा ना लें, बड़ा लें, जितने ये गुंजाइश है उससे ज़्यादा बड़ा लें। इसकी वजह कि चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे, उसको फूलने का मौका मिलेगा, छोटा बर्तन होगा तो बड़ा वो बेचारा सा हो जाएगा। हमें इसको यूँ रखना है पावरफुल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। और साथ में ही डाल देंगे 1/2 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तब आप प्याज जो है वो जब हमने गरम मसाले डाले जब भी आप तल सकते हैं। और यहाँ जाएगा 1 टेबलस्पून पानी। प्याज डालने के बाद जब पानी डालते हैं ना तो प्याज बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और बड़ी जल्दी सी भुन सी जाती है। 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ हल्के फुल्के से मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ देखिए हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं 4, उसके डंठल तोड़ के इसको भी डाल देंगे। च
चले, ये देखें बहुत सिजल हो रहा था तो बड़े मसाले बड़े अच्छे से चिमट विमट गए। यहाँ हमारे पास आधा कप दही है, अब वो डाल देंगे। दही को पहले हिला लेंगे और अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ 1.5 कप मटर है, मेरे पारबॉइल्ड है, अगर आपके कच्चे हैं तब आप आलू के साथ ही डाल दें उसको, और मेरे पारबॉइल्ड है, इन्हें थोड़े से रेडी होते हैं फ्रीज़र के हैं। और यहाँ 2 टीस्पून नमक है, ये चला जाएगा, लेवल्ड है 2 टीस्पून। बस इसे भून लेंगे सारे मसालों के साथ तकरीबन 2-3 मिनट। देखिए 1-2 मिनट हमने भून लिया है और अब इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि आलू जो है वो हमने गला लिए थे 30%, फिर भुने तो थोड़े से और हो गए और अब कवर होने से थोड़े और हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट में। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको खोलते हैं। देखिए कितना खुश खुश हैं ये लोग सब, और तेल भी ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी जो कि है 3 कप। और यहाँ देखें हमारे पास बासमती चावल हैं जो कि 2 कप है, नॉर्मल जो घर के बासमती चावल होते हैं उसको मैंने धो के 1 घंटा पहले भिगो दिया था। जब भीगे हुए चावल हो तब कभी भी डबल रेशो नहीं जाएगा पानी का, जब भीगे हुए हैं तो 1.5 आ जाएगा। तो चले अब इसको डाल देते हैं पानी में। चले इसको थोड़ा सा हिला देते हैं और चूल्हा कर देते हैं मीडियम हाई। तो ये बेसिकली हमने बड़े अच्छे से मिला दिया आपस में इसको, और अब इसको हम ओपन ही पकने के लिए रख देते हैं जब तक के पानी जो है वो बबल बबल जितना ना रह जाए। तो ये अराउंड लगेंगे इसको 7 से 8 मिनट। देखिए 7-8 मिनट हो गई है और ये देखिए बबल 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 कर रहा है और ऊपर ड्राई सरफेस हो गई है। तब हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसको छोड़ेंगे हम 8 से 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई है, खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और फिर 2-4 मिनट में डिश आउट करेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब डिश आउट करते हैं। आह क्या खुशबूएं आ रही हैं। चले अब इस पे हम डालेंगे प्याज, दही और क्यूकम्बर का रायता, बड़ा मज़े का लगता है। डाइस कर लिया था टमाटोस, अनियन और क्यूकम्बर, और दही फेंट के उसमें बस नमक थोड़ा सा डाल के और ये डाल दिया, मज़े का लगेगा और नहीं। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखा धुआंदार गर्मा गर्म मज़ेदार सा, और उसके साथ रायता या अचार जो भी हो घर में। ठंडा ठंडा रायता, गरम गरम पुलाव, जूसी मॉइस्ट, आपने देखा, और आलू भी परफेक्ट गले हुए, पूरे साबुत रहने चाहिए और फिर एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। ये आप लोगों के लिए। मज़ा आ गया,
और फिर ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे तो प्लेन खा लें, चाहे तो कबाब के साथ खा लें, चाहे तो अचार के साथ खा लें, सिर्फ प्याज वगैरह के साथ खा लें, हर हाल में ये एक ख़तरनाक ही लगेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।